के बाद दो, बाप जो है वो अष्टदेवों में नहीं है, नौ में है। नौवा तो वैल्यूलेस होता है, वैल्यूलेस में बाप को डालेंगे। हाँ है, अष्टदेव के नंबर वन में है बाबा। अष्टदेवों में से नंबर वन है बाप, उसके बाद अष्टदेव को छोड़ करके और जो आत्माएं हैं तो कितने हुए, बारह का संगठन, उसमें से आठ निकाल दिए तो कितने बचे हैं? चार बचे। उन चारों के बारे में, अरे तो अष्टदेव होंगे, अष्टदेव स्थापना का काम करेंगे, पालना का काम करेंगे या विनाश का काम करेंगे? पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। तो बाप के संगठन में स्थापना करने वाले, पालना करने वाले, विनाश करने वाले तीनों चाहिए या सिर्फ एक प्रकार के चाहिए? है शिव ज्योति बिंदु बाप आता है तो तीनों के साथ आता है या एक के साथ आता है? तीनों के साथ आता है। तो जब आत्माओं का बाप तीनों के साथ आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं, तो बाप भी खुद अपने को पहले प्रत्यक्ष नहीं करता है। भले बच्चे मनाए लेते हैं बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, लेकिन बाप फिर भी गुप्त रहता है, बच्चों के सामने पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर पूरा प्रत्यक्ष हुआ होता तो अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी निश्चय बुद्धि देखने में ना आते। कोई बच्चा ऐसा भी है जो लगातार निश्चय बुद्धि हो, कभी अनिश्चय बुद्धि न बनाओ? कोई हो तो हाथ उठाए है? कोई नहीं, माना माया किसी को छोड़ती नहीं है, सबको वाइलोरी देती रहती है। निश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चा बनना, अनिश्चय बुद्धि माना माया रावण का बच्चा बनना। तो प्रत्यक्षता हुई बच्चों की, क्या कहेंगे? न बाप प्रत्यक्ष हुआ अभी तक और न बच्चे प्रत्यक्ष हुए, अभी होना है। बाप भी प्रत्यक्ष होगा लेकिन पहले नहीं, क्यों? क्या नियम बनाया हुआ है? सन सोज फादर और फादर सोज सन, तो कौन प्रत्यक्ष होंगे पहले? बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि बाप पावरफुल है। तो जो पावरफुल होगा वो अपना काम पहले करेगा और बच्चे नंबर वार हैं तो नंबर वार काम करेंगे। तो आठ की प्रत्यक्षता वो तो श्रेष्ठ आत्मा ही है, पालना करने वाली भी है और स्थापना करने वाली भी है, श्रेष्ठ कार्य करने वाली है। और तीसरा ग्रुप उसमें नष्ट देवों का भी है। अष्टदेव है तो फिर नष्ट देव भी चाहिए। पुरानी दुनिया का अगर संहार ना हो तो जो नई दुनिया का संगठन बनेगा उसकी कोई वैल्यू होगी है? पुरानी दुनिया के लोगों के वाइब्रेशन नई दुनिया के संगठन को प्रत्यक्ष होने देंगे है? नहीं होने देंगे। इसलिए नष्ट देव भी चाहिए, वो भी पावरफुल बच्चे हैं बाप के। हाँ जी, तो बाबा उचारण मास्टरदेव के ग्रुप में है? उचारण मास्टरदेव के ग्रुप में है क्या? हाँ जी, आठ अष्टदेव और बाकी नष्टदेव। वो अष्टदेव सिर्फ जहाँ मिनी मधुबन में पालना ले रहे हैं आत्माएं, मिनी मधुबन में जी बाबा,
बाबा के कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में वहाँ से बनेंगे या जहाँ जहाँ भी बाप के बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, वहाँ से भी बन सकते। व्यक्तवाणी में तो इस बार ये बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, तो बताओ चारों तरफ फैले हुए होंगे या कोई सनसिटी में बैठे होंगे। दुनिया में भी आजकल सनसिटी बनाई जा रही है, मेगा सिटी भी बनाते हैं। सनसिटी का मतलब क्या हुआ, किसकी सिटी है, सूर्य की सिटी। तो सूर्य की सिटी होगी तो उसमें रहने वाले कौन वंशी के होंगे, सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी तो नहीं होंगे, है नहीं होंगे। हाँ जी, अभी नहीं समझ में आया, अरे क्लियर हुआ कि नहीं। आपके जो बच्चे हैं वो सब डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। हाँ, इस्लाम धर्म वंशी भी होंगे, बौद्ध वंशी भी होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, कौन से संगठन से शुरुआत होगी, सूर्यवंशी संगठन से शुरुआत होगी। हाँ, बाहर में रहने वाले और मन बुद्धि लगा करके रहने वाले, अब सब बाहर इधर इधर उधर आठों बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कहाँ करोगे। भावन का उसे नई दुनिया में आना जाना करते हो, जो नई दुनिया की सौगात दी है बाप दादा ने, उसमें आना जाना करते हो, है? करते आना जाना करते है? अगर चारों तरफ बिखरे हुए होंगे तो आना जाना कैसे करेंगे। हाँ। और अच्छा, स्थापना कहाँ से शुरू होती है, नई दुनिया का संगठन बनेगा तो स्थापना कहाँ से होगी। अरे माउंट आबू से होगी कि दिल्ली से होगी कि अहमदाबाद से होगी, कहाँ से होगी, तो फिर ये पूछने की बात कहाँ रहेगी। जहाँ जहाँ बाप होता है, बाप बाप विश्व कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी होते हैं, आत्मा स्वरूप विश्व कल्याणकारी होते हैं। आत्मा भी बाप के बच्चे भी विश्व कल्याणकारी होंगे, लेकिन जो बाप होगा वो विश्व कल्याणकारी होगा तो सारे विश्व को देखेगा, या बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सारे विश्व को नहीं देख सकता। सारे विश्व को देख रहे थे, बच्चे आग में रहते हैं। हाँ, बच्चे आग में रहते, सारा विश्व पीछे में रहते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा मुरली में जो बोला है, शंकर का ऐसे वंडरफुल पार्ट तुम बच्चे समझ ना सके, ये तुमको बहुत परेशान करता है। क्या है, क्या नहीं समझ सकते है? वंडरफुल पार्ट, क्या वंडरफुल पार्ट है, क्या करता है, जादूगरी करता है क्या है? जो जादूगर होते हैं वो जादूगरी करते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा वंडर है, ये तो वंडरफुल काम करता है, तो क्या जादूगरी करता है, है? अब जब बाबा ने बोल दिया कि ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको, तो बच्चे भी नहीं समझ सकते तो दुनिया वाले तो समझेंगे ही क्या है? हाँ। फिर अभी पिछली वाणी में यह भी बता दिया कि शंकर का पार्ट रियल नहीं है, नारियल है, दक्षिण भारत में ज्यादा माना जाता है। क्या शैव संप्रदाय के लोग कौन से दक्षिण भारत में ज्यादा हुए या उत्तर भारत में है?
बोलो बाबा हाँ। कभी कभी 100% बाप पर निश्चय आता है, पूरा 100% पूरा 100% फिर भी कभी कभी 100% निश्चय आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में कभी कभी बाप के दुश्मन बने हो, कभी कभी बाप के दोस्त बने। जब दोस्त बने हो तो 100% निश्चय आ जाता है, और जब किसी की बातों में आ गए, कोई कोई के प्रभाव में भी तो आ जाते हैं ना, तो किसी की बातों में आ गए, किसी की प्रजा बन गए दूसरे राजा की, तो फिर 100% अनिश्चय भी आ जाते हैं। लेकिन निश्चय रहता है। 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी सामने आ रहा है संकल्पों के रूप में, संकल्पों की रील घूम रही है। जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो अच्छी अवस्था बनती है, और बुरे कर्म उदय होते हैं तो खराब अवस्था हो जाती है। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? जरूर मालूम पड़ेगा। बाप का पाठ के बारे में तुम्हें मालूम पड़ेगा 14 जन्म के लिए, और ऐसे तुम्हारा भी पाठ जरूर मालूम पड़ेगा। तो बाप का तो पहचान हो, कोई कोई का तो इस्लाम धर्म का बाप होगा, कोई कोई का बौद्ध धर्म का बाप होगा, उस धर्म में कन्वर्ट होकर के ज्यादा जन्म रहेंगे तो पता तो चलेगा ना। तो पहले बाप की पहचान, फिर बच्चे की पहचान। जब पक्का विश्वास हो जाए कि हमारा बाप चंद्रवंशी है, तो बच्चा फिर अपने को भी जानेगा कि मैंने चंद्रवंश में कैसे कैसे पार्ट बजाए। हमारा बाप बौद्ध ही है, तो बच्चे को भी पता चलेगा कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से खंड में कहां कहां कैसे पार्ट बजाए। बुद्धि चलेगी ना। हाँ बाबा जी, 401 नंबर कैसेट में आप बताए हैं, नंबर छोड़ दो, बात बताओ ठीक है कि बाप अंत में ऐसा टेक्निक बता देंगे कि सबको अपने 84 जन्म का पाठ पता चल जाएगा। अंत में टेक्निक बता, अभी नहीं बता रहे हैं। नहीं बाबा ऐसे बताए ना। अरे अंत में बता रहे हैं, अभी नहीं बता रहे हैं क्या? हाँ अभी तो बता रहे हैं। अभी भी बता रहे हैं। और टेक्निक क्या है? ज्ञान की टेक्निक है। ज्ञान की टेक्निक अगर राम की आत्मा समझ सकती है अपने अनेक जन्मों को, तो क्या बच्चे नहीं समझ सकते? राम की आत्मा को टेक्निक मिल सकती है तो बच्चों को नहीं मिल सकती? पढ़ाई तो सबको एक जैसी दी है, ग्रहण करने की शक्ति सबकी अलग अलग है। कोई अपने अनेक जन्मों को पहले जान लेंगे और कोई अंत में जान लेंगे। अंत में बाबा क्या सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा? क्या सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा? एक टाइम पर, एक टाइम पर कहीं अंत होता है? नहीं नहीं, सबका अंत क्या एट ए टाइम होगा? क्या विनाश? हाँ जी विनाश तो आत्माओं का होता ही नहीं है। आत्माओं का विनाश कहाँ होता है? माने आत्मा का विनाश नहीं, जो सारी दुनिया में हम बच्चे भी तो हैं, हैं? हम विनाश की लिस्ट में है क्या? विनाश काले तो विपरीत बुद्धि होते हैं, विपरीत बुद्धि विनश्यंती होते हैं विनाश में। हम प्रीति बुद्धि की लिस्ट में है कि विपरीत बुद्धि की लिस्ट में? और एक क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन तो आपकी बात तो पूरी कर लो, पंगे ले रहे हो एक। हाँ यज्ञोष्ठी में 42 में शरीर छोड़ दिया, 42 में सेवाग्राम। हाँ जी। उसके बाद सुप्रीम सोल किसके आधार लिया? गीता माता का, जो माताएं थी उनका आधार लिया। हाँ, उसके बाद गीता माता शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल किसके आधार लिया? और दूसरी माता होगी, तीसरी माता, उसकी नाम क्या है? नाम आम थोड़ा ही बताया जाता है, नाम तो दादी दादियों को बता दिया। नहीं बाबा वो तो मुरली में बताया, उन दीदी दादियों के पास चित्र भी है, जब चित्र है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ओ बाबा त्रिमूर्ति है ना? हाँ जी। तो त्रिमूर्ति है तो तीसरी मूर्ति का नाम कौन है? अरे फिर वही बात, नाम को नाम बाबा थोड़े ही बताते हैं। बाबा ने कहा कि इन दीदी दादियों के पास चित्र भी है, फोटो भी है, जब फोटो है तो उनके नाम भी उनको याद होंगे। ठीक है, गीता माता शरीर छोड़ने के बाद? वो तो गीता माता नाम रख दिया, समझ के लिए। जो राधा माता नाम रख दिया, समझने समझाने के लिए। हाँ जी। लेकिन उनका असली नाम क्या है वो दीदी दादियों को पता है। ठीक है, जो तीसरी माता है। हाँ जी।
उनसे सिद्ध बाबा पशु आधार लिया थे क्या? तीसरी माता जो है, हाँ जी, वो माता के रूप में थी उस समय, ठीक है, वो पालना करने वाले के रूप में नहीं थी। सुप्रीम सोल आधार लिया था या नहीं? जो माता के रूप में है, हाँ जी, वो वैष्णवी देवी नहीं थी उस समय, ठीक है। हाँ, हाँ। मैंने पहले जो तीन मूर्ति थे, हाँ। सुप्रीम सोल तीन मूर्ति के अंदर पाठ बजाया या नहीं? जब दूसरी माता है मौजूद तो तीसरी माता आने की क्या दरकार? दूसरी माता जब शरीर छोड़ दे 45 में, ये तो तुम कह रहे हो उसने शरीर छोड़ दिया, तुम्हें कैसे मालूम 45 में ही शरीर छोड़ दिया? नहीं नहीं दादा, लेखराज के अंदर सुप्रीम सोल कब प्रस्थ किया? जब से कराची से मुरली चलाना शुरू की, हाँ जी, तब से साबित होता है कि शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो उनका 60 साल होने से पहले, हाँ, तो तीसरी माता के अंदर तीसरी माता कहाँ से? ये तीसरी माता तुम बोल रहे हो उसमें प्रवेश हुआ, ये तो मुरली में तो नहीं बोला ना। अच्छा, जो वैष्णवी शक्ति है, हाँ जी, उसको तो पवित्रता का पार्ट बजाना है, हाँ जी, और पवित्रता का पार्ट जो बजाता है उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं तो प्रवेश क्यों होगा? हाँ, वही बात है, हाँ जी। तो मतलब एक ही माता के द्वारा प्रवेशता होती है? हाँ जी, ठीक है। ऐसे 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, हम बच्चे हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेगी, वो भी गुम हो गए। तो प्रवेश उनमें बच्चे उनमें बाप प्रवेश करते थे ये भी बोला हुआ है, तो दो के लिए बोला हुआ है, एक माता के लिए बोला है और एक पिता के लिए बोला हुआ है, तीसरे की तो बात ही नहीं आ रही कि प्रवेश हुआ। ऑस्ट्रेलियन का सीट फिक्स हो गया ना? हैं? ऑस्ट्रेलियन का सीट फिक्स हो गया क्या? ना ऑस्ट्रेलियन की सीट फिक्स हो गई, ना अष्टदेव की सीट फिक्स हो गई। ना अभी तुमने आया था ना? अभी तीन की सीट फिक्स हुई है। अव्यक्तवाणी में तो बोला है अभी सिर्फ तीन की सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर का पाठधारी कौन? ये जनेऊ यज्ञोपवीत जिसने ये तीन दागों का यज्ञोपवीत धारण कर लिया बुद्धि में, वो पक्का ब्राह्मण हो गया एडवांस पार्टी का। अगर बुद्धि में ये बात नहीं है तो इसका मतलब अभी पक्का ब्राह्मण नहीं बना। तो तीन मूर्तियां अभी उनके लिए बना हुआ है। नाम अपना और बताते जाओ। हाँ जी बाबा, नाम बताओ। प्रभाकर। प्रभाकर भाई बोले सर। बाबा, जब 2018 होगा तब कृष्ण का जन्म होगा? हाँ, कोई निश्चित नहीं बताया, लगभग। तो जब कृष्ण का जन्म होने वाला 2018 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, एक दो साल का अंतर भी पड़ सकता है। उस समय 4.5 लाख आत्मा होंगे ना? 4.5 लाख आत्मा, आत्मा तो 500 करोड़ भी होंगी। कृष्ण जन्म देने वाला तो 4.5 लाख होंगे ना? 4.5 लाख कृष्ण को जन्म देंगे, कभी बापों से पैदा होगा। कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाला है? कृष्ण जैसा एक ही बच्चा पैदा होगा, ढेर सारे पैदा होंगे, ढेर सारे पैदा होंगे एक ही साथ, 18 में एक साथ नहीं, आहिस्ते 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 जन्म लेंगे। आजी आजी, तो उस समय कितने दुनिया में कितने आत्माएं रहेंगे उस समय? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल दिखाया कराची में, तुम बच्चे आराम से रहे पड़े थे, कोई दुख दर्द नहीं था, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, नरक का नजारा दिखाई दे रहा था। तो आज में छोटा सैंपल था और अंत में बड़ा रूप होगा, नरक की दुनिया के बीच स्वर्गीय संगठन बनेगा। क्या दुनिया वाला उस संगठन को जरूर पहचानेंगे? दुनिया वाले पहचानते नहीं है, तो अंग्रेजों की पुस्तकों में क्यों लिखा हुआ है लॉर्ड कृष्ण का राज्य था क्राइस्ट से 3000 साल पहले? अंग्रेजों की ये बात कैसे मालूम पड़ गई? क्राइस्ट से 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, इसका मतलब उनको पता है ना? क्रिश्चियन तो उस बात को नहीं जानना चाहिए, फिर भी जानते हैं।
इसका मतलब दुनिया में आवाज तो फैलेगी ना पैराडाइज की। क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी जन्नत का नाम है, और हिंदुओं के शास्त्रों में भी वैकुंठ का नाम है। वो सारी संगम युग की बातें हैं। स्थूल स्वर्ग तो कंप्लीट बनेगा 2036 के बाद। कृष्णानंद लोगों ने इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूछते हैं, इस्कॉन मंदिर बनाकर कृष्ण को पूछते हैं, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन वाले जो ये तो क्रिश्चियन है ना, इस्कॉन, इस्कॉन, हाँ, इस्कॉन वाले तो क्रिश्चियन है, वो कृष्ण को जास्ता जास्ती पूछते हैं। तो इसका जो बाबा ने कहा है कृष्ण का और कृष्ण का राशि मिलता है, इसका संपर्क इसमें है क्या? क्यों नहीं संपर्क, तभी तो पूछते हैं, उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है, क्रिश्चियंस ने सारा फॉलो धोनी को किया हुआ है, क्राइस्ट को कांटे पर ठोका गया तो कृष्ण को बाण लगे पाँव में, उनके पाँव में बाण ठोका गया तो उन्होंने शांत कर दिया। ऐसे ही क्राइस्ट के पाँव में तीर ठोका, वो कील ठोकी गई तो उनका प्राणांत हुआ। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म हुआ, क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं। बाबा नाम क्या है? रघुनाथ भाई है, रघुनाथ भाई है। हाँ जी, हाँ जी, भाई मोबाइल की बात आते हैं पावन बना की बनाने के लिए है, पावन बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जैसे पावन कैसे बनाते हैं? पावन कैसे बनाते? संग के रंग से पावन बनाते हैं। एक तरीका या अनेक तरीके से? अनेकों तरीके से, तुम आँख से देख करके भी पावन बन सकते हो, हाथ से छू करके भी पावन बन सकते हो, और वाइब्रेशन से याद करके भी पावन बन सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि जितनी सूक्ष्म जितना सूक्ष्म स्तर अपनाएंगे उतना जल्दी बनेंगे। सूक्ष्म पावर है वाइब्रेशन, जो रिमेम्बरेंस है, याद करने की ताकत है, वो वाइब्रेशन से संबंधित है। तो वाइब्रेशन के आधार पर तुम अगर अभिविचारी याद में रहेंगे तो बहुत जल्दी पावन बनेंगे। हाँ जी, और फिर उसके बाद नंबर वार स्थूल और संग का रंग जितना लगेगा उतना पावन बने। बोलो ना, आगे बोलो, क्या कहना चाहते, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने कितना परिश्रम करता है? बाबा परिश्रम करता है, सुप्रीम सोल ने, बाबा सुप्रीम सोल परिश्रम करता है। बाबा जब बाबा तो कहते हैं बच्चे मोहब्बत में रहो, मेहनत ना करो, और तुम कह रहे हो सुप्रीम सोल ही मेहनत करता है बच्चों को ढूंढने के लिए। बच्चों को ढूंढने के लिए माला, बाबा किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता, बाबा तो बच्चों की मोहब्बत में बच्चों को वो ढूंढ लेता है। परंतु ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? ब्रह्मा ने क्यों पहचाना नहीं? अभी तो ब्रह्मा ने पहचाना होता तो उसकी पूजा होती कि नहीं होती? पूजा होती, पूजा होती, नहीं हुई तो कारण रहा होगा ना कुछ, क्या कारण रहा? पहचान होना और पहचान ना होना उसके अंदर की बात में क्या कारण होता है? निश्चय निश्चय नहीं, माता होती है देह अभिमान वाली और बाप होता है निराकारी। बीज बाप को कहा जाता है, बाप होता है निराकारी और माँ होती है साकारी। तो जो साकार बुद्धि होती है उसकी बुद्धि में जल्दी बात नहीं बैठती गहराई से, जो निराकार जितनी बुद्धि होगी, सूक्ष्म बुद्धि होगी, उतना ही बात को जल्दी समझ लेगा। हाँ जी, एक की पावन होने से सारा सृष्टि पावन बनेगा। हाँ जी, तो सारे 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 रंग एक ही पर निर्भर है। बिल्कुल, तो एक ही कब होगा? एक ही कब होगा? जब एक ही अच्छी तरह से समझ जाएगा कि गीता का भगवान कौन। एक ही भूल ले तो सत्यानाश किया है। गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव? शिव, हाँ,
तो बुद्धि में तो बैठे, गुरु लोगों की बुद्धि में बैठ रहा है। जो गुरु लोग हैं वो सेवो हम कहने से पीछे हट रहे हैं? नहीं हट रहे। तो फिर वो तो छोटे छोटे गुरु है। इस दुनिया में सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन है? ब्रह्मा। वो तो रावण के सरों के ऊपर जो एक गधा दिखाया जाता है, वो रावण का भी गधा बैठा हुआ है ऊपर, उन सिरों को भी पालना देता है। और ओडिशा में बहुत मंदिर है, जो मंदिर देवियों का है, ज्यादा देवियों का है। क्या ज्यादा देवियां देवियां यहाँ है उड़ीसा में? देवियों के मंदिर बहुत है, बहुत है। और छोटे छोटे मंदिर होंगे, बड़ा बड़ा मंदिर, बड़े बड़े मेले कहाँ लगते हैं? अरे सारे हिंदुस्तान से खींच करके कहाँ जाते हैं? उड़ीसा में पूरी देवी का मंदिर बताओ ना। देवी की बात कर रहे हो, देवता की कर रहे हो? देवी तो वैष्णो देवी। हाँ, तो वैष्णो देवी में जाते हैं ना? कलकत्ता में सारी दुनिया से खींच के नहीं जाते, सिर्फ बंगाल के लोग मनाते हैं। और तो ज्यादा देवी मंदिर नहीं है। देवी के मंदिर उड़ीसा में कहाँ जाता है? ऐसे तो हर गांव गांव में देवियों का मंदिर है। भूत प्रेत घुस जाता है, वो भी कहता है मैं देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ। वो तो गांव गांव में चरित्र चल ही रहा है। टेम्पल सिटी भुवन सर को ही बताया है, है? टेम्पल सिटी। अरे ज्ञान की वो बातें पूछो जो बाबा ने मुरली में बताई है। इधर उधर भक्ति मार्ग की बातों में बहोगे तो भूसे में चले जाओगे। बाबा जो अभी बाबा ने मुरली में बताया कि ज्ञान सरोवर को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब होता है, इसे बोले ना छोटे मधुबन वाले को भी मधुबन छोड़ने पड़ेगा। हाँ, कोई भी नहीं रहेगा ताला लगाने के लिए। हाँ, ताला लगाने ही नहीं देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, ऐसे हालत हो जाएगी। क्या बात नहीं समझ भाई? बाबा ने बोले मधुबन वाले को मधुबन छोड़ने, ज्ञान सरोवर वाले को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, छोड़ना पड़ेगा। रिपीट क्यों कर रहे हो बार बार? जी विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब तो नहीं है। हाँ? लेकिन तो सुप्रीम सोल तो प्रवेश होगा ना ज्ञान सरोवर जो बाबा के पास है, वो कैसे छोड़ना पड़ेगा? अरे ये कहा, किसने कहा कि सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होगा? हाँ, वही तो मैं समझ रहा हूँ, कैसे छोड़ना पड़ेगा। ये तो तुमने अपने मन से बना लिया सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होगा। आबू अब्बा का घर है तो आबू अब्बा को ही घर में से बाहर निकाल देंगे क्या? है?